हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आपको मेरी पहले की सारी वीडियोस पसंद आई होगी। एंड मैं इस वीडियो में मैं इस पेंसिल्स के बारे में कुछ रिव्यूज़ देना चाहता हूं। तो ये पेंसिल्स आपको 500 के अंदर आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। तो इसमें 24 सेट की ये पेंसिल्स है, जैसे कि आप इसके बैक में बैक साइड देख सकते हैं। 9H, 8H, 7H, 6S, 5H, 4H से लेकर ये 14B तक है। ठीक है, और ये स्केचिंग पेंसिल्स यहाँ लिखी हुई है इसके फ्रंट में, आर्टिस्ट ग्रेड। और यह सॉफ्ट टेंडर से लेकर यहाँ पे प्रमार्क किया हुआ है। और ये कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे, वरिशन। और ये मुझे ऑनलाइन मे बी 400 प्लस समथिंग कुछ में मिली थी, मुझे भी उतनी याद नहीं है। 400 समथिंग मिली थी। और ये काफ़ी अच्छी सेट्स है, ताकि आप कम बजट में इसे यूज़ कर सकें। क्योंकि ऐसे अगर आप फेवर कैस्टल की पेंसिल यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको 12 ग्रेड की पेंसिल आपको मिलती है, 700 मिनिमम मिल जाती है। बट ये आपको 24 सेट की पेंसिल्स मिल रही है, वो भी 500 के बिलो, मतलब 400 प्लस समथिंग है। ठीक है, तो चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। मैंने ये काफ़ी दिन पहले मंगाया था, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी पेंसिल्स यूज़ किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 12B मैंने यूज़ किया है, तो ये कितनी छोटी हो चुकी है। और मुझे अभी तक इसमें सबसे डार्क 12B लगी है। यहाँ पे 10B भी है, सबसे डार्क है। और यहाँ पे ये 14B भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी आप लीड देख सकते हैं, लीड। ठीक है, ये 14B सबसे डार्क होनी चाहिए, बट इसमें मुझे डार्क है, बट इसमें मुझे 12B सबसे डार्क लगी। और काफ़ी सॉफ्ट भी है ये पेंसिल्स, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी शाइनिंग है। मैं आपको इसको एक ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक पेज एक छोटी सी शीट ली है, जहाँ मैं आपको ये डार्क ग्रेड की कुछ पेंसिल्स को मैं इस शीट पर स्केच करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सी शेड कैसी है और कैसी नहीं। तो मैं सबसे पहले मैं 14B यूज़ कर रहा हूँ। 14B यहाँ शेड देख सकते हैं, 14B की, ये 14B, ये है 14B आपके, ये मैंने शेड किया 14B। 14B की आप शेड देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा प्रेस करके इसे थोड़ा कर रहा हूँ, ताकि इसकी डार्कनेस आपको फील हो सके, ताकि आप इसकी डार्कनेस पहचान सकें। ये थी 14B। अब नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 10B। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10B है। ठीक है, ये मैं 10B यहाँ नीचे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं 10B भी थोड़ा प्रेस करके ही कर रहा हूँ, प्रेस करके ही इसमें स्केच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये 14B थी हमारी, 14B, और ये थी हमारी 10B। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों में ये काफ़ी डार्क है, काफ़ी डार्क लग रही है। अब मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ 12B मुझे शार्प करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको उसे शार्प करने से पहले ही मैं आपको ये स्केच करके दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ये हो चुकी है, फिर भी मैं आपको शेड, अब आप देख सकते हैं ये कितनी डार्क है और कितनी शाइन है पेंसिल्स में। ये होगी आपकी 12B। तो यहाँ पे इस शीट पे देख सकते हैं सबसे डार्क कौन सी है। इसमें आपको पता चल ही रहा होगा, ये सबसे डार्क यहाँ पे 12B है, इसके बाद 14B, इसके बाद 10B। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें ये 12B काफ़ी अच्छी है। डार्क शेड्स जहाँ होते हैं, जैसे कोई भी अगर हम लोग स्केच करते हैं, जहाँ डार्क शेड्स करनी पड़ती है, वहाँ हम ये 12B का मैं ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ 12B, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा डार्क की यूज़ पड़ती है, वहाँ मैं 12B। और जैसे कि और इसमें काफ़ी अच्छी सी पेंसिल्स हैं, तो मैं नॉर्मली आई ड्रॉ करने के लिए 8B और 6B और मैं 9B की भी यूज़ करता हूँ। हाँ, ये रही 9B, आप देख सकते हैं ये 9B है। तो मैं जब भी आई ड्रॉ करता हूँ या थोड़ी सी डार्क प्लेसेस, ज़्यादा डार्क नहीं, तो ये मैं मोस्टली मैं 9B, 6B और 8B का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मुझे सबसे डार्क लगती है ये तीनों, और मैं इसी का यूज़ करता हूँ शेड्स। और मैं लाइट शेड्स के लिए मैं अपने हिसाब से 5H और 7H की यूज़ करता हूँ।
एट एच भी है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे सबसे कंफर्टेबल यहाँ पे 7H और 5H लगती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्केच शेड सेट करके दिखा दे रहा हूँ। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 7H, 7H की शेड्स आप देख सकते हैं, काफ़ी लाइट है, काफ़ी लाइट। तो जहाँ भी हल्की शेड्स हैं, या फेस पे हुआ या चिक्स पे हुआ, तो मैं 7H या 5H की यूज़ करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसे ब्लेंड करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी पेंसिल्स हैं, 11BB है, मैं आपको 11BB एक ट्राई करके दिखा देता हूँ। देखिए 11BB काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी शेड्स हैं इसके, 11BB काफ़ी डार्क है, बट सबसे डार्क तो मैंने पहले ही बताया आपको, ये 12B है सबसे अच्छी, ये 11BB काफ़ी अच्छी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी शेड्स हैं, F है, 2H है, तो काफ़ी अच्छी, मुझे ये पेंसिल्स काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये सबसे अच्छी है मुझे कम प्राइस में। अगर कोई बिगनर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं अच्छी पेंसिल से, ऐसे आप नॉर्मली अप्सरा की पेंसिल्स आपको कोई भी आपके शॉप में मिल जाएगी, नज़दीकी शॉप में, बट अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं, फेवर कस्टल की पेंसिल्स काफ़ी कॉस्टली होती हैं, बट वो तो ऑब्वियस बात है, उसकी स्टैंड थोड़ी हाई है, काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है वो। बट आपको अगर 500 की बिलो अगर कोई पेंसिल्स चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यही वरिशन की ये 24 सेट की पेंसिल्स, कि आप एक बार ट्राई करें। उसकी लिंक बिलो मैं अपने चैनल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग इसे परचेस कर सकें। और प्लीज़ मुझे होप आप लोग को ये पेंसिल्स पसंद आए, और प्लीज़ मुझे वीडियो में मुझे कमेंट में बताइए कि आपको पेंसिल्स कैसी लगी, और कोई भी अगर आपको डाउट्स हो या कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। कोई भी अगर आपको स्केचेस में कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।